हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं बावर्ची धमक डिटर्जेंट पाउडर व के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदनी लाक्षाकार। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी बोर्ड परीक्षा आज से हुई शुरू, 58 लाख छात्र ले रहे हिस्सा। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से की जा रही निगरानी, नकल की तो लगेगा एनएसए। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी, अब तक सुबह 9 बजे तक 14% से अधिक मतदान। चुनाव आयोग ने कहा त्रिपुरा के मतदाताओं में उत्साह। पीएम मोदी ने किया आदि महोत्सव का उद्घाटन, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडे को दी श्रद्धांजलि। 16 से 27 फरवरी तक चलेगा आयोजन। बीबीसी के मुंबई ऑफिस में आईटी का सर्वे तीसरे दिन भी जारी, बढ़ाई गई कार्यालय की सुरक्षा, विपक्षी दलों का केंद्र पर हमला। झारखंड के पलामू में हिंसक झड़प के बीच तनाव बरकरार, लागू की गई धारा 144, इंटरनेट सेवा भी की गई बंद। और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर हुए हमले को लेकर यूपी की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सपा नेता ने यूपी की बीजेपी सरकार पर हत्या कराने और साजिश रचने का आरोप लगाया है। स्वामी ने कहा कि मेरी हत्या के लिए सुपारी दी जा रही है, एक वर्ग विशेष के लोग मेरी सुपारी दे रहे हैं, साधु के भेष में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मैंने महिलाओं दलितों आदिवासियों की बात क्या उठाई, एक वर्ग के लोग मेरी हत्या की साजिश में लग गए हैं। इस देश की महिलाओं आदिवासियों दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई, एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए, कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए, और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, FIR दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है, और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं, दो दो बार दे दिया है। एक पत्र